महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के हितग्राही मूलक कामों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पैंथर जनपद के ग्राम पंचायत तो कुड़काई में भूमि समतलीकरण के काम में जनपद के अधिकारियों ने मिलकर बिना काम करे पहले तो भुगतान करा लिया और बाद में मामला सामने आने के बाद रातों रात गुंडों और जेसीपी मशीन से काम कराकर फर्जीवाड़े को छुपाने का प्रयास किया गया। रात में ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ गुंडों ने मारपीट भी की। जनप्रतिनिधि के बिना मिले तो ये हो ही नहीं सकता। गांव के जनप्रतिनिधि लगभग कितने का काम रहा भैया? ये उसमें तो सर पूरा नहीं बताया कितने का काम है, पर मजदूर के नाम से जो हितग्राही है जिसके नाम से डबरी आया है उनके नाम से लगभग लगभग 10-10 हजार रुपया का आहरण हुआ है मजदूरी का। उतना करके फिर उसको भगा दिया गया और गाड़ी गिरफ्तार बहुत हुआ। उसके बाद वहाँ पूरी करने के बाद बंद नहीं किया मशीन, बिल्कुल दादागिरी के साथ रहे 8-10 लोग। कितने लोग रहे भैया इन लोग और कहाँ के रहने वाले रहे इन लोग? कुछ तो पदगांव के रहे और कुछ कुर्के। अब इसमें पुराने सरपंच है, सचिव है, रोजगार सहायक है, ये तीनों शामिल है। हाँ, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? इनको पक्ष अलग किया जाए, सचिव को यहाँ से हटा दिया जाए और सरपंच के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, पुराने सरपंच के ऊपर।